सात नंबर मातुपुरा पे जो टैंक है हमारा, वहाँ से अलवर के लिए एक लाइन है 11 MM की, उस लाइन में करीब 6 बजे बस हो गया और जैसे ही बस हुआ तो मौके पहुंच गया। उससे हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जैसे हमें जानकारी मिली 6 बजे हमने वाल ऑपरेशन बंद कर दिया, हमारी टीम पहुंच गई और जब फर्स्ट पाई रोड को चेंज करने का काम चल रहा है और लेट नाइट तक उम्मीद है कि काम हो जाएगा हमारा काम। PHED की 1000 MM की पाइपलाइन में हुआ ब्लास्ट, जलापूर्ति हुई ठप। प्रातः 6 बजे नसीराबाद रोड पर ब्लास्ट से सड़कें हुई क्षतिग्रस्त, हजारों गैलन पानी हुआ व्यर्थ। नसीराबाद रोड पेट्रोल पंप के सामने मुख्य सड़क पर गुरुवार सुबह 6 बजे सड़क के नीचे दबी PHED की 1000 MM की पाइपलाइन ब्लास्ट होने से दोनों ओर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पानी का तेज फवारा सड़क पर बहने से दोनों ओर की सड़कें दरिया बन गईं। अचानक हुए इस हादसे में गनीमत रही कि उस वक्त कोई सड़क से गुजर नहीं रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। दरअसल 15 से 20 साल पहले इस मार्ग पर सीमेंट की 1000 एमएम की पाइपलाइन सड़क किनारे हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे 4-लेन सड़क का निर्माण होता गया यह पाइपलाइन सड़क के बीचों बीच आ गई। इस मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन भी रहता है, लिहाजा सीमेंट की पाइपलाइन पर दबाव पड़ने से यह क्षतिग्रस्त हो जाती है। लगभग साल भर पहले इसी स्थान से थोड़ा पहले यही लाइन क्षतिग्रस्त हुई थी। उस वक्त भी सड़क का बड़ा हिस्सा टूटकर हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह गया था। आज फिर ठीक वैसा ही हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने तत्काल PHED को सूचना दी। PHED के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर 7 नंबर माखूपुरा वाटर टैंक से सप्लाई वाल्व को बंद कराया। मौके पर मौजूद PHED विभाग के अधीक्षण अभियंता गोपाल शर्मा ने बताया कि 15-20 साल पहले सीमेंट की पाइपलाइन डाली गई थी जो कमजोर हो गई है। वहीं सड़क के बीच होने की वजह से उस पर वाहनों का दबाव भी पड़ता रहता है। फिलहाल पाइपलाइन को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। देर रात तक MS पाइपलाइन का एक टुकड़ा ज्वाइंट करके इसकी रिपेयर कर दी जाएगी। कल तक पेयजल व्यवस्था को सुचारू कर दिया जाएगा। 7 नंबर माखूपुरा पे जो टैंक है हमारा, वहाँ से अलवर गेट एक लाइन 1000 MM की, उस लाइन में करीब 6 बजे बस हो गया और जैसे ही बस हुआ तो मौके पहुंच गया। उससे हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जैसे हमें जानकारी मिली 6 बजे हमने वाल ऑपरेशन बंद कर दिया, हमारी टीम पहुंच गई और जब फर्स्ट पाई रोड को चेंज करने का काम चल रहा है और लेट नाइट तक उम्मीद है कि काम हो जाएगा हमारा काम। बिल्कुल विभाग तत्पर है, विभाग की पूरी 100% कोचिंग है, एज अर्ली एज इसको हम रेस्टोर करने सप्लाई डाली गई थी। आज के 15-16 साल पहले तो सड़क के किनारे भी थी, सड़क चौड़ा होने के बाद बीच में आज ट्रैफिक मूवमेंट भी कारण हो सकता है और दूसरा एजिंग इफेक्ट जो है ना पाइप में, एजिंग इफेक्ट के कारण हो सकता है जिसके कारण इसमें बस्ट हुआ लाइन में। ये सीमेंट कॉन्क्रीट के लाइन है, PSCC लाइन है। नहीं, जो पाइप बस्ट हुआ है वहाँ उसकी जगह MS पाइप डाला जाएगा। ये करीब 5.5-6 मीटर का पाइप चेंज करेंगे कपड़ा करने में। सबसे पहले हमारी साथ प्रॉब्लम ये रहती है, जो काम हमें करना होता है उसके लिए हमें ड्राई कंडीशन की जरूरत होती है और ड्राई कंडीशन क्योंकि संभव नहीं होती, इसलिए डिवाटिंग का काम चलता है। तो मेन जो डिवाटिंग में समय काफी लग जाता है, डिवाटिंग के बाद उतना 7-8 घंटे डिवाटिंग में लग जाते हैं और 5-6 घंटे या 7 घंटे उसमें लग जाते हैं। तो डिवाटिंग में काम अभी 1-2 घंटे में हो जाएगा। पाइप आगे आई कमर पास में और उम्मीद है कि जल्दी जो लगे। हाँ, पानी भरा है।